3 MLA लद्दाख, बाकी 9 MLA जम्मू कश्मीर यूटी के बचे। उनमें से 3 MLA, 2 साबका मिनिस्टर, 2 जम्मू सूबे के कश्मीर का, हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए मैंने न उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 सबका एमएलए और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए, मैं क्या करूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बाकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 6 MLA पिछले 2 साल से बचे थे, उनमें से 5 MLA चिनाब वैली से जीएम सुरुड़ी साहब और पीर पंचायत से चौधरी अकरम साहब बचे थे, दोनों हमारे साथ आ गए। कश्मीर वादी से 3 ही MLA बचे थे, मातरम हाजी अब्दुल रशीद साहब जो 2002 से चलते आ रहे हैं और अभी भी जो डिजॉल्व्ड असेंबली के मेंबर उसमें थे, गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, हाजी साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हैं और गुलजार वानी साहब अनंतनाग से हैं, ये भी 2 असेंबलियों में 3 असेंबली में जीत गए। और जो हमारा फाइटर मिसाइल है, बट साहब जो 6 साल MLA रहे, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे और डिसॉल्व असेंबली के मेंबर थे, तो 5 के 5 MLA हमारे साथ आए। 2 साल से 6th MLA भी हमारे साथ था, अपना अजीजी है, मैं दुआ करता हूं उनके लिए वो कामयाब हो जाएं। लेकिन उन्होंने पलटी आखिरी वक्त पर मारी, तो मैं उनके लिए दुआई कहूंगा, वो चाहे कितनी भी गालियां दें हमारे लिए अजीज ही रहेगा। तो इसलिए और मैं खास तौर से भाई डिस्टर्ब करो, मैं 3 सीनियर साथियों जो डिप्टी सीएम रहे, ताराचंद जी, ये 96 में चुन के आए, आज से 26 साल पहले मैंने ही टिकट दिलाने में मदद की, वो उनको आज भी याद है, और कईयों को जो इधर नहीं आ रहे उनको भूल गए। उसके बाद उस वक्त चीफ व्हिप रहे पार्टी के 6 साल, फिर जब मैं सीएम था 6 साल ये स्पीकर रहे, बाद में कोलिशन गवर्नमेंट हुई उमर साहब के साथ, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो कांग्रेस के जम्मू सूबा से 2-3 ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस के अकेले बचे हैं, बीजेपी के 1-2 हैं, उनको उम्र भगवान दे, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहूंगा। तो कांग्रेस के जीवित जो डिप्टी सीएम में अकेले, मैं मशहूर हूं कश्मीर वादी से, मेरे पुराने साथी यूथ कांग्रेस पीरजादा मोहम्मद सईद, जब मैं ऑल इंडिया में जब स्टेट प्रेसिडेंट था एमरजेंसी के दौरान, ये मेरे साथ अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाद में पीसीसी में रहे, जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट 2002 में, आज से 20 साल गए, तो इन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट की सदारत हासिल, ये मिनिस्टर 80s में भी रहे, 90s में भी रहे, और पीसीसी प्रेसिडेंट और सीनियर मिनिस्टर कई अरसा रहे, इन्होंने हमारा साथ छोड़ा नहीं पिछले 45 साल से, और आज भी ज्यादा सही साहब
हाँ तो खड़ा करो, अरे इनको खड़ा करो। मैं दूसरे सीनियर आदमी, सीनियर लीडर जिनका इतिहास तारीख महाराजा हरि सिंह के जमाने से शुरू होता, जिनके वालिद साहब हरि सिंह की फौज में ब्रिगेडियर थे, उनके सुपुत्र हमारे ताज महीदीन साहब जो मेरी तरह टू इन वन है, जम्मू के भी है कश्मीर के भी है और मैं जरा थ्री इन वन हूं, मैं हिंदुस्तान का भी हूं, क्योंकि पूरे मेरी मेरी असली पॉलिटिकल जिंदगी महाराष्ट्र से हुई। मैं उनका महाराष्ट्र के मेरे भाइयों को जब 1979 में लड़ने गया मुझे कोई भी नहीं जानता था, मेरी कंपेन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने जिताया, मक्खी भी नहीं आई थी। मेरे कुछ एक दो यूथ कांग्रेस के साथ ही यहां से आए थे और लेकिन लीडर कोई भी नहीं आया, न स्टेट का लीडर न दिल्ली का लीडर, लेकिन वहां के लोगों ने प्यार दिया, आज तक दिया, जैसा आप प्यार देते हैं वही स्वागत मेरा अभी भी वहां होता है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। तो ताज महीदीन साहब भी 2002 मतलब 20 साल से एमएलए चलते आ रहे हैं, कैबिनेट में रहे हैं सबकी। तीसरे साथ मैं यही तीन साथी तारा चंद जी पीएम सिंह साहब और ताज महीदीन साहब, मैं और सवारे हमारे मिनिस्टर का नाम लूं तो टाइम लगेगा, सभी माननीय मिनिस्टर सभी रीजनों के यहां मौजूद हैं, एमएलए एक्स एमएलए डीडीसी चेयरमैन मेंबर बीडीसी मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो उन्होंने ज्वाइन किए हैं, जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन किए हैं, इनमें बहुत सारे प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, उनका बहुत बहुत आभारी। जय सिंह जी ने ये इंतजाम बहुत कुछ किया है, लोग तो हमारे बाकी साथियों ने लाए हैं हर जगह से, लेकिन तामझाम जो है ये उनका है, उनका भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप जो आए दूर दूर से, ये दिल्ली का शहर नहीं है, ये कोई बड़ा लखनऊ का बड़ा शहर नहीं है, बंबई का शहर नहीं है जहां करोड़ों की आबादी रहती, हमारा एक डेढ़ सवा करोड़ तो पूरी रियासत। तो आप जो दूर दूर से आए हैं मैं आपको सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आप अपना मेहनत मजदूरी भूखे प्यासे यहां आए हैं और मेरी तवक्का के खिलाफ और हमारे जो इंतजाम करने वाले हैं उनकी तवक्का से कई गुना आप ज्यादा आए, तो शायद ये पानी भी उन्होंने चोरी रखा कि इतने लोगों का नहीं था, हमारा तो इंतजाम 10,000 का था तो ये 20,000 हुए, तो इसलिए वो पानी भी इन्होंने गायब कर दिया, इसलिए के सर नहीं फूटे। तो ये आप जो प्यासे इस जम्मू की गर्मी और भूखे इस जम्मू की गर्मी में दूर दूर से आए, मेरे हर तबका के एसटी के हों या बाकी शहर और हमारे किसी भी धर्म के भाई बहने नौजवान हों, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। भाइयों और मेरी बहनों यहां हैं, बुजुर्गों साथियों, मुझे किसी भी आदमी का दिल्ली से घर में कंप्यूटर चलाने वाले का और गलत मैसेज लोगों को भेजने का, मैं उनकी तरह नहीं, मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ हूं, हिंदुस्तान के किस स्टेट का भी इंचार्ज बना, वहां के शहर में नहीं रहा, वहां के देहातों गांव में सरपंचों के घर रहा, जनरल सेक्रेटरी होकर और मिनिस्टर होकर,
पंचू के घर में मैंने रातें गुजारी हैं। इंदिरा गांधी जब जेल में गए तो लोग आज मैं देखता हूं कांग्रेस पार्टी से जेल में जाते हैं, सुबह बस में ले जाते हैं और उसी वक्त डीजी वगैरह को फोन करते हैं या पुलिस कमिश्नर को, हमारा नाम बस लिख लिए, एक घंटे में वापस छोड़िए। इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन मैं जनशक्ति था, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, जब इंदिरा गांधी को 20 दिसंबर 1988 में पार्लियामेंट से बर्खास्त किया और सीधे तिहाड़ जेल ले गए और मैंने जनशक्ति के नाते 5,000 यूथ कांग्रेस के लड़कों का जुलूस दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू करके पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में हम सबको गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल में छोड़ा। इंदिरा जी को 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन हमें 20 अगस्त 1988 में गिरफ्तार किया और अगले साल जनवरी में छोड़ दिया, क्योंकि वो जमानत चाहते हैं, हमने जमानत नहीं लिया। लेकिन इस अरसे में दिल्ली के मौसम जम्मू जैसा होता है, श्रीनगर जैसा होता है दिसंबर जनवरी में, सीमेंट का हमारा फर्श था, सीमेंट पर नीचे सोना था, एक कंबल बिछाने के लिए था, वैसे ही जैसे जेल में होता आधा फटा होता और आधा ओढ़ने के लिए होता था जनवरी के महीने, और खाने के लिए 2 चपाती और 1 दाल। हमने उनसे पूछा कंबल क्यों नहीं देते, कहा हमारे पास उस वक्त 8-9 हजार लोग जेल में होते थे, 1 लाख लोग जेल में, तो हम कहां से कंबल लाएं, कहां से खाना लाएं, इसीलिए तुम लिख के दे दो जाओ घर में खाना। लेकिन हमने लिख के नहीं दिया, जब तक वो खुद ही मजबूर नहीं हुए हाँ इतने लोगों को खाना खिलाने और इनका बिस्तरा इंतजाम कर। जो आज कहते हैं हमें, मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है, कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है, ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये SMS से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी है। दुनिया हमारे लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, हमारी बहू बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे दिल की धड़कनों में है, हमारे नस नस में है, वो लोग जो हमारे बदनाम, हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, SMS पर है, और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे, दोनों को, वो ट्वीट में खुश रहे और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलियानों में, अब थल्ले बैठ, हमारी जिंदगी और हम दफन उन्हीं के साथ हो जाएं, अपने गरीब मजदूरों, किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और वो उनको अपनी शहनशाही मुबारक, हमको अपनी गुर्बत मुबारक। मेरे भाइयों, मैं आज लंबा भाषण नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी 12-14 दिन हूं, मैं जम्मू में अभी 4 दिन हूं, जम्मू के मेरे भाइयों को कहूंगा आप आखिरी दिन में मिलना, लेकिन दूर दराज मेरे घर पे सबको मालूम है, गांधीनगर में चौक में जो दूर दराज से आए हुए हैं, रजौरी, पुंछ, नावेली, वो सबसे पहले कल मिले, आज तो नहीं,
फिर कठुआ, उधमपुर, रियासी के लोग परसों मिले क्योंकि उनका नजदीक से आना, और जम्मू वाले तीसरे दिन में। मैं चार दिन के बाद जिला डोडा में एक आध जगह जा रहा हूं, इंद्रवाल में एक आध जगह रहा हूं, किश्तवाड़ में एक आध जगह जा रहा हूं, वहां मीटिंगें होंगे वहां के लोग, खास तौर से हमारी बहनें और भाई जो जिला परिषद के हैं, माफ कीजिए जिला परिषद, ये डीडीसी बीडीसी हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर ने नाम रखा, डीडीसी को पूरे हिंदुस्तान में जिला परिषद बोलते हैं। ये लोग खुद ही डिवाइड करते हैं, हमको कहते हैं इंटीग्रेट करो, अरे जब पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी तक जिला परिषद है तो यहां फिर डीडीसी क्यों रखा, बीडीसी वहां ब्लॉक समिति है, यहां बीडीसी, इसलिए मुझे जब जिला परिषद निकल जाता है तो उसका मतलब है डीडीसी, ब्लॉक समिति निकल जाता है तो उसका मतलब है बीडीसी। तो मेरे बीडीसी के भाई बहन कश्मीर के हो, रजौरी पुंछ के हो, कठुआ के, उधमपुर के हो, रियासी के हो, उनकी बारी अपने अपने स्टेटों में आएगी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आएगी बोलने की, और लीडरों की और मंत्री। हमारे कश्मीर के हमारे एक आध सिर्फ सदर साहब बोले, मैं उनसे कहा भाई कश्मीर में अभी मैं 12 तारीख को हूँ, वहां तुम लोग बोलना। जम्मू के साथियों को मैंने कहा एक आध आदमी यहां बोलो, बाकी आपके डिस्ट्रिक्टों में बोलना। तो मेरे कहने का मतलब है सुरणी साहब और बलवान सिंह जी ने, और बाद में सबका एक्सडीपी में डिप्टी सीएम ने फरमाया, मेरा वक्त एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह, 2.5 साल कोई लंबा टाइम नहीं होता है हिंदुस्तान की तारीख में, 2.5 साल 1 सेकंड के बराबर होते हैं, और जम्मू कश्मीर की तारीख में जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उसकी तारीख अगर गिने तो 2.5 साल 5 10 मिनट होता है। तो उस 10 मिनट के अरसे में मैंने फास्ट ट्रैक सिस्टम किया, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में मैंने पहली दफा की, दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे वो मरकजी सरकार हो या अमेरिका जैसे में चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, स्टेटों का गवर्नर होता है, या लंदन में, ब्रिटेन में, दूसरी स्टेटों में, या हिंदुस्तान के स्टेटों में, वो कहीं नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए भी मैंने वही प्लान बनाया था, मैंने ही बनाया था, और मेरे साथ ही खत्म हुआ। कहीं भी तामीर करने का सिलसिला डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट का मतलब 24 घंटे तामीर करना, मुझे फखर है कि ट्यूलिप गार्डन, एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन, शायद 15 साल पहले, आज तो शायद और कहीं बना होगा, 15 साल पहले एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन आपके इस साथी ने बनाया, सिर्फ 1.5 साल। जिस साल में, जिस दिन मैंने जगह देखी, काम नहीं शुरू किया, और जिस दिन इनॉग्रेशन करवाया सोनिया गांधी से, इंदिरा गांधी के नाम से मैंने ट्यूलिप गार्डन नाम रखा, सिर्फ 1.5 साल में तामीर, 3 शिफ्टों में, 24/7। क्या हिंदुस्तान में कोई, मुगलों में भी तो बनाने पार्क उसके साथ साथ 10,000 साल लगे। मैंने हज हाउस 8 महीने में बनाया कश्मीर। मैंने अपनी यात्रा जो करते हैं हमारे हिंदुस्तान भाई, हमारे हिंदुस्तान भाई, हिंदुस्तान भर से जो हमारे भाई बहने आते हैं वहां कश्मीर जाने के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए, उनके लिए यहां भगवती नगर में रिकॉर्ड 3 महीने में 4 मंजिला, एक नहीं कमरा नहीं, सैकड़ों कमरे, वो यात्री निवास 3 महीने में बना। डेट मुझे याद नहीं है,
लेकिन मार्च के महीने में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा और तीसरे महीने जून में उसका उद्घाटन किया, कुछ दिन पहले यात्रा शुरू होने से। मुझे हिंदुस्तान में कोई बताए उसने हज हाउस और यात्रा हाउस तीन और आठ महीने में बनाया। मैंने जम्मू कश्मीर की असेंबली 11 महीने में बनवाई। ऐसे कई पुल है, ऐसे कई स्कूल है। मैंने 6 एम्स बनवाए ट्रिपल शिफ्ट में अलग अलग स्टेटों पर हेल्थ मिनिस्टर के नाते। ढाई साल में और शहर एम्स का मतलब होता है 25,000 लोगों के लिए अकोमोडेशन, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट और लैबोरेटरीज और डॉक्टरों के लिए अलग अलग कमरे, ऑपरेशन के लिए सैकड़ों कमरे, ये ढाई साल में बने। दूसरी हुकूमतें शायद 10-10 साल में बनाएंगी। तो ये इसी तरह से कोई चीज नहीं, करप्शन खत्म की। कश्मीर में क्या क्या किया वो वहां हम बताएंगे। यहां गोल्फ कोर्स पहली दफा बना, आर्मी का था, बीएसएफ का था, सिविल गोल्फ कोर्स मैंने बनाया। उसके बाद मैं एक बड़ी लेक बनाना चाहता था, गुजर नगर से पीछे तक 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर खुला। वो जमीन मेरे डिपार्टमेंट में नहीं थे, मेरे सहयोगी मिनिस्टर साथियों के डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने कैबिनेट में उसको रद्द किया। फिर मैं पूरी कैबिनेट को दिखाने गया लेकिन तो भी उन्होंने रद्द किया। इसलिए उस जगह पे मैंने फिर गोल्फ कोर्स बनाया। लेकिन मेरी ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरे जो साथी मिनिस्टर्स थे, उमर साहब की उम्र में ताज महीदीन साहब ने, वो जो अगली जगह, पिछली अच्छी जगह तो नहीं मिल पाई थी तब, इन्होंने जरा नीचे पुल बना के उसके लिए विलेख बनाने की शुरू की। हाँ, फोर्थ ब्रिज बनाया और उसी के साथ वो लेक बनाने का भी था और वो बना। मैं हरि सिंह पार्क बनाया, जनाना पार्क बनाया। हरि सिंह जो पहले सभी 10 साल से लगे हैं ठुक 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 करते, मैंने एक गो में 40 करोड़ से मंजूर कराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 उनके रिपेयर के लिए। वो 40 करोड़ अभी इनसे खर्च नहीं होते। और कितने पार्क बनाए, कितने तहसीलें बनाई, कितने डिस्ट्रिक्ट 4 बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने शिवखोड़ी बोर्ड बनाया। इस तरह से मैंने कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव नहीं। जमीन जो हमारे गुजर बकरवाल SC ST या शहर के अंदर, वो हिंदू हूं या मुसलमान, जो 40-40 साल के से उनपे कब्जा था, पटवारी लूटते थे, पुलिस लूटती थी, असेंबली में पास करा के उनको जमीन दी, असेंबली में पास की, उसके बाद भी वो जमीनें वापस ले गए। कोई हमारे जो उस वक्त अडक्त रहबरे तालीम रहबरे जरिया, वो यहां के थे वहां के लगा दिए। मनरेगा, अभी मेरे साथी ने कहा कि मनरेगा में यूपीए और यूपीए 1 में और उससे पहले अटल जी की गवर्नमेंट में और उसके बाद मोदी जी की गवर्नमेंट में, इन 26 साल में अगर किसी स्टेट को ये जो गांव में सड़कें देहात में बनी है PMGSY लिए, किसी स्टेट के लिए अगर मैंने कंपनसेशन मंजूर करवाई है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला, 1 घंटा बात की कि सर मेरे जम्मू कश्मीर में
देहात में कोई सड़क नहीं बनी, राजौरी पुंछ में कोई सड़क नहीं बनी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, गूल डिस्ट्रिक्ट में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, सामा डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में और कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों में कोई सड़क नहीं बनेगी, क्योंकि एक एक आधा आधा कनाल तो लोगों के पास जमीन है, मैं सड़क के लिए एक्वायर करूंगा तो खाएंगे। तो उन्होंने पूछा कहने का मकसद क्या, मैंने कहा कंपनसेशन। उन्होंने कहा ये कैबिनेट के लिए लेना पड़ेगा, मैंने कहा आपको यूनाइटेड नेशन लेना पड़ेगा, लीजिए। मैंने कहा कैबिनेट मिनिस्टरों को मैं एक एक से मिलूंगा, क्योंकि तब तक मैं सीएम बना था, मैं सब मेरे दोस्त उनको मैं मनवाऊंगा, तब मुझे लैंड एक्वायर करने के लिए पैसा। तब मैंने इन पहाड़ी इलाकों के आपके इलाकों में शुरू किया। जब उमर साहब के वक्त में उन्होंने बंद किया तो मैंने प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी जी किश्तवाड़ में बुलाया, बहुत भारी जलसा हुआ। मैं उस वक्त मैं कैबिनेट का मिनिस्टर था खुशकिस्मत से दिल्ली में, तो मैंने कहा कि ये मेरा इलाका है, मेरा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मैं आज इस डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट की मांगे बहुत सारी मैंने पूरी की हैं, डिस्ट्रिक्ट देना, कॉलेज स्कूल देना, उसमें आपके देने के लिए कुछ रहा नहीं है, वो मैं दे रहा हूं। सिर्फ मैं स्टेट की तरफ से एक ही चीज मांगता हूं, जो मेरे वक्त में आपने सहूलियत दी थी, जमीन का कंपनसेशन देने की, वो कंपनसेशन उमर साहब के वक्त में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उसको कंटिन्यू। लकली मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, मैंने पार्लियामेंट में कैबिनेट में उठा, कैबिनेट में नोट आ गया, रिजेक्ट कर दिया कैबिनेट। उन्होंने कहा आसाम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, मिजोरम में नहीं, तो उससे गया गुजरा। मैंने कहा उससे गया गुजरा, हमारे पास जमीन नहीं, इसलिए दोबारा मैं, अरे बह जाओ भाई थले, ए जेड़े पीछे खबे सजे मुड़ दे, नहीं आदे आपको नहीं आ रहा, उनको आ रहा, पीछे सुनाई देना नहीं, माइक दे, पीछे जो आ रहा है 50वीं रो में 100वीं रो में हाथ खड़े करो, नहीं जिन्होंने समझ आती है वो हाथ खड़े करो। अच्छा सारे सुन रहे हैं भाई, अरे पीछे सब सुन रहे हैं, आगे मेरी आवाज सुन, अरे आपको नहीं आ रहा उनको आ रहा है, चुप करिए। आप अगले वाले तो मेरी आवाज सुन सकते हैं, 90% लोगों को आ रही, तो इसलिए मैंने फिर सब कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ बात की और काबीना में, दूसरी काबीना में मंजूर हो गया, और इस तरह उमर साहब के वक्त में भी वो सिलसिला जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट चली, उसके बाद आज तक क्यों नहीं हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। आज लाइबिलिटी कहते हैं 800 करोड़, तो मेरे भाइयों मैं जब यहां था जो कर सकता था वो किया, जो नहीं करवा सकता था वो दिल्ली से करवाया। कैबिनेट में बैठकर जम्मू के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, उनके लिए लड़ाई लड़ी, हमारे मुल्क के दूसरे इलाकों में जहां भी इंसाफ ना इंसाफी होती थी वहां के लिए लड़ाई लड़ी। मेरे मरने तक
मेरी लड़ाई जम्मू कश्मीर के इन लोगों को इंसाफ देने के लिए, चाहे वो यहां के किसान हो, यहां के मजदूर हो, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हो, कस्बों में रहने वाले हो, शहरों में रहने वाले हो, वो दुकानदार हो, वो ट्रांसपोर्टर हो, मुझे मालूम है पिछले कुछ सालों में जम्मू के ट्रांसपोर्टरों की क्या हालत हुई। जब मुझे आने की इजाजत नहीं दी, पार्लियामेंट ने अगर नहीं चला होता, अगर पार्लियामेंट नहीं चला होता तो मुझको भी कहीं जेल में रखा होता बाकी चीफ्स की तरह। लेकिन पार्लियामेंट के दौरान लीडर अपोजिशन को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज पूरी दुनिया में जाती, क्योंकि मैं कहा ही नहीं पूछ। और पार्लियामेंट में जो भी कहा मैंने स्टेट तोड़ने पर, और 370 तक वो तो इजाजत है कॉन्स्टिट्यूशन, बाहर तो मैंने कोई ऐसी गाली नहीं, इसलिए हमको छोड़। लेकिन उसके बाद मैंने कश्मीर जाने की कोशिश की, कश्मीर एयरपोर्ट पर जब पार्लियामेंट अभी चल ही रहा था, कश्मीर एयरपोर्ट में मुझे 5 घंटे रखा और उसके बाद आखिरी फ्लाइट में दिल्ली भेजी। 1 हफ्ते के बाद मैंने जम्मू आने की कोशिश की, जम्मू के एयरपोर्ट पे 4 घंटे रखा, चाय दी उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया, खाना पीना नहीं हुआ, और आखिरी फ्लाइटें, क्योंकि उस समय जम्मू की बड़ी कम फ्लाइट है, आखिरी फ्लाइट में पैक करके दिल्ली पहुंचा। फिर उसके 1 हफ्ते बाद मैंने तमाम अपोजिशन के लीडरों को जोड़ा कि हम सब मिलके कश्मीर एक अटेम्प्ट करें। उसमें राहुल गांधी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैंने सब पार्टी के लीडरों को जोड़ा, आप भी आए, आगे कश्मीर में गए, 4 से 5 घंटे हम सभी अपोजिशन के लीडरों में एयरपोर्ट और वापस भेज दिया। फिर मैं चुप नहीं बैठा, कई लोग स्टेटमेंट देते हैं कि अभी हमारी सुने, मैंने 5-6 वकील किए और मैंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इजाजत दी जम्मू, सिर्फ जम्मू शहर में और कश्मीर में अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और भी बताई कि जो भी आप वहां सुनेंगे उसकी रिपोर्ट हमें दीजिए, वो प्रेस को मत दीजिए, और आपको ये इजाजत पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं दी, आप कोई मीटिंग पब्लिक नहीं कर सकते, आप कोई वर्कर्स मीटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ लोगों की दाद और फरियाद सुन। सुप्रीम मैंने दौरा किया, सुप्रीम कोर्ट मैंने जो हो रहा था जम्मू में, किसानों की हमारे ट्रांसपोर्टर की हालत क्या थी, हमारी सब्जी मंडी और शहीदी चौक या बाकी जगहों में हमारे दुकानदारों की क्या हालत होती, हमारे 30 साल होटल वाले, फ्रूट वाले, उनकी क्या हालत हुई थी, जो नौकरी करते हैं, जो मजदूर करते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा था, वो कैसे भूखे मर रहे, कश्मीर में फूड इंडस्ट्री कैसे दबा हुई, हमारी वहां जो दूसरा हैंडीक्राफ्ट वो कैसे बर्बाद हुआ, हमारे कश्मीर मजदूर कैसे भाग गए, ये तमाम मैंने चीजें सुप्रीम कोर्ट को भेजी। तो ऐसा अगर कहेगा कि हमने कुछ नहीं किया, अगर मैंने ये सब कुछ कुछ नहीं है, वो मुझे बताइए उन्होंने क्या किया है? सिर्फ लोगों को गुमराह करना, इसके अलावा और कुछ किया? मैं मुबारकबाद देता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारी सियासी तौर पर वो हरीफ रहे, इकट्ठे रहे, प्यार करते रहे, लव हेट हमारा रिलेशन चलता रहा,
लेकिन उन्हें एक लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि तारीफ की। एक स्टेट्समैनशिप, कल को शायद इलेक्शन में हमारा टकराव हुआ, लेकिन लीडर वो है, वो टकराव से नहीं डरे, क्योंकि जमहूरियत में हर पार्टी को पार्टी बनाने का हक है, पार्टी ज्वाइन करने का हक है। मुझे खुशी है कि शोएब लोन साहब जो उस पार्टी में थे जो ज्यादा चलाते हैं, एक विकेट चली गई, यहां मौजूद है। इनके वालिद साहब पीडीपी में मंत्री थे मुफ्ती साहब के वक्त में, और मेरे वक्त में ये एमएलए थे, बाय इलेक्शन में जीत के आए, जनशक्ति भी रहे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जनशक्ति थे जिस वक्त उस दूसरी पार्टी में गए। तो कम से कम जिसने आपके वालिद साहब के बाद आपकी सरबराही की थी, अरे सुन, उसके साथ ही वापस आए आज, मैंने यही देखा। एक बात यहां कहूंगा, जितने यहां लोग हैं 100% लीडर्स, मुझसे पूछ के कोई नहीं आया, रिजाइन करने के बाद मुझे मैसेज भेजा, मैंने वैसे ही बताया कि ये मैसेज पढ़ने में कई साल लगे, कई में चेहरे आज देखता हूं, एयरपोर्ट यहां देखता हूं, ये भी आ गए, चाहे कांग्रेस से हो या दूसरी बार। सईद बशीर साहब कश्मीर से हैं, अनंतनाग, अरे अनंतनाग के एक्स अनंतनाग, और साउथ कश्मीर से मिनिस्टर हैं मुफ्ती साहब के जमा वक्त में, पीडीपी में थे, ये भी यहां गए। तो इस तरह से अभी तो इब्तदाए इश्क है, देखिए है आगे होता है क्या। इसलिए मैंने कुछ चीजें आखिर में कुछ नोट की है। मेरा अगले वक्त में जो नई पार्टी बनेगी, कई नाम लोग दे रहे हैं, वो सब गलत है, अभी डिसाइड नहीं किया। हमारी पार्टी का झंडा जब सुबह के लोग, कश्मीर सुबह के लोग और लीडर मिलकर जो तय करेंगे, वही झंडा होगा, वही नाम होगा। मैं आप दिल्ली में बैठकर आपके लिए फरमान नहीं जारी करूंगा, ये मेरा झंडा और ये मेरा नाम, उसमें इनका सहयोग होना चाहिए, इनका दिल होना चाहिए। वो नाम और झंडा गांव वाले भी बोल सकते होंगे, शहर वाले और कस्बे वाले। मेरे पास कई नाम आए, कश्मीरी के नाम आए, वो उर्दू ज्यादा फल देते हैं, हमारे जम्मू वाले हैं वो संस्कृत वाला देते हैं। मैंने कहा भाई, जब ट्रांजिशन हो रहा था 1947, उससे पहले उर्दू पढ़ी जाती थी, उर्दू बोली जाती थी, आजादी के बाद हिंदी भी आ गई, संस्कृत भी, पहले तो कोई बहुत ही विद्वान पढ़ते थे लेकिन इंट्रोड्यूस। तो नेहरू ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी हिंदुस्तान, तो हमारी आम बोलचाल होगी सभी धर्मों के, वो न संस्कृत होगी और न बिल्कुल प्योर होगी, वो हिंदुस्तानी होगी। तो आज 75 साल से हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदुस्तानी बोलते हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी किसको कहते हैं, जो मेरे हिंदू भाइयों ने भाषण किया, मेरे मुसलमान भाइयों ने भाषण किया यहां भी और हिंदुस्तान में, जो हम घर में भाषण करते हैं, वो ना किसी मौलाना की उर्दू है, न किसी पंडित जी की संस्कृत है, वो आम भाषा है जो सबको समझ आए। तो मेरा नाम पार्टी का भी एक उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह एक ऐसा हिंदुस्तानी नाम होगा जो हिंदू भाई भी समझे, मुसलमान भाई भी समझे, सिख भाई भी समझे, ईसाई भी समझे। बौद्ध अगर इसका हिस्सा होते
सौभाग्य से वो सब उर्दू जानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरे भाइयों, मैंने कुछ सुनिए, आखिरी है, मैंने 10 मिनट में बताता हूं कि मेरा आने वाला एजेंडा क्या। मैं इंग्लिश मीडिया के लिए और हिंदी समझने वाले, उर्दू समझने वाले के लिए उसका ट्रांसलेशन करूंगा, लेकिन अंग्रेजी वालों के लिए उसका पहला काम होगा। हमारा एजेंडा सबके लिए होगा, मैं इसकी कॉपी दूंगा, ये सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, सब अपनी अपनी बोलूंगा। रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, राइट टू लैंड, कोई नाराज नहीं भाई, राइट टू लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट टू नेटिव डोमिसाइल, तीन चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड, ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर हो, ला असेंबली बनानी चाहे। दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में, चल नौकरी बाहर से कोई न करे। हमारी नौकरियां कितनी होती, समंदर में बूंद के बराबर, उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद से भी गायब हो जाएंगे। और ये मुबारकबाद देता हूं महाराजा हरि सिंह जी को, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें 1925-1930 में हरि सिंह ने रखी, जमीन, और बाद में जब अकॉर्ड हुआ उसमें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी, और जेएन के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल। तो ये कोई असंवैधानिक बात नहीं, जिसको 72 साल हिंदुस्तान के आईन ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपतियों ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टरों ने, कांग्रेसी हो गैर कांग्रेसी हो, उन्होंने मंजूर किया, पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने मंजूर किया। तो हम कौन होते हैं इसको गलत कहने वाले। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कई वारदातें आई, ज्यादातर किलिंग तो हमारे जहां हिंदू इलाकों में भी जम्मू की हुई है, मुसलमानों की भी, 20-20, 30-30 लोग एक मैसेकर में मिलिटेंटों में हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ज्यादा वारदातें कश्मीर से आई, उसके बारे में मैं कश्मीर की स्पीच में बताऊं। फिर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन द वैली, मेरा रिकॉर्ड है, मत करो, मेरी चीफ मिनिस्टर के दौरान, शुक्रिया अदा करता हूं हमारी गुजारिश इस पर, मनमोहन सिंह ने जो जगती, मैंने वो जगह भी खुद देखी, चुन भी की और बनवाई भी, और मनमोहन सिंह जी इनॉग्रेट की तकरीबन 20,000 हमारी कश्मीरी वहां, और उसके अलावा और दो तीन जगहें वो भी मैंने बनवाई, जम्मू बड़गाम में भी प्राइम मिनिस्टर ने पैसा दिया उससे भी बनवाई, कुछ मुफ्ती साहब के जमाने में बनी, कुछ मेरे अमीन भट्ट से आपके कुछ एरिया में बनी। तो ऐसा हम जबानी नहीं कहते, जो हमारी रिसोर्स थी उस वक्त में हजारों लोगों को बसाया। इसलिए ये कोशिश जारी रहेगी कि जो भी आना चाहता, हम जबरदस्ती किसी, मुझे कश्मीरी पंडित का एक कश्मीर फंक्शन था, उसमें 90% कश्मीरी पंडित, कोई अमेरिका से आया था, प्राण किशोर जी हमारे बहुत राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे, उनके 76 साल हुए, उसने कल
बुक रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट था, वोरा साहब ने रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट। मुझे खुशी हुई कि कुछ हमारे भाई अमेरिका पहुंचे, वहां फले फूले, कुछ लंदन पहुंचे फले फूले, कुछ बंबई कलकत्ता वहां फले फूले, लेकिन जो बेघर हैं बेनौकरी के, मेरा दिल आज दुखता है। हमारे वक्त में ही, मेरे वक्त में ही प्राइम मिनिस्टर ने 6,000 लोगों कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्वेशन दी, 3,000 के लिए मैंने पहला एडवर्टीजमेंट किया था और वो आए थे। उस वक्त तक से आज तक वो 6,000 पूरे नहीं हुए, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो नौकरी करते थे कश्मीर की, उनकी फिर किलिंग शुरू होना हो गई। ये किलिंग बंद होनी चाहिए, जो आना चाहिए उसके लिए रहने का बंदोबस्त करो। इसी तरह से हम आनर, इज्जत, आबरू हमारी बहु बहनों का, हमारे नौजवानों का, हमारे लोगों की इज्जत आबरू टू इंश्योर आनर, डिग्निटी, रेस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये हमें साथ साथ करनी है। क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है, बेकारी दोनों किस्म की है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिले। मुझे शर्म आती कि हमारे लेबर, हमारे डेली वेजर्स एडहॉक पे बने 20-20 साल से, 15-15 साल से 3,000 रुपए पे काम करते हैं, दिल्ली कई दफा आए, शादी किया है, 4-4 बच्चे, 3,000 में खुद क्या खाते हैं, बीवी बच्चों को क्या खिलाते हैं, कपड़े कहां से लाते हैं, ये एक अजूबा है हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया। वो बात विच करियो, इसलिए उनका हक बनता है सबसे पहले। लेकिन नए रोजगार कैसे करें, नए रोजगार करने के लिए मैंने, मेरे दिल में भंडार, हमारे पास वो खजाना है जो जम्मू के लोगों ने नहीं देखा, कश्मीर के लोगों ने नहीं देखा। मैं जम्मू कश्मीर का एक एक पहाड़, एक एक पहाड़ी, क्योंकि घूमता था हेलीकॉप्टर में तो पहाड़ियों को क्रॉस करने जाता, कश्मीर वादी में जब मैं उड़ीसा, उड़ी में जलजला आया और नेस्त नाबूद हो गए मकाना, उड़ी और टंगदार दोनों में भाई, उड़ी और टंगदार, इनके कांसुल से अपने ताज महीदीन साहब, मैं रोज जाता था तो रास्ते मुझे एक दुनिया नजर आई, बंगस, वहां 1 करोड़ टूरिस्ट जा सकता, गुलमर्ग का बाबे आदम 100 गुलमर्गों के बराबर है। मैंने वहां रोड शुरू कर दी मेरे वक्त में, अभी तक वो मुकम्मल नहीं। मेरा मकसद था, मैंने उसमें फास्ट क्लियरेंस भी दिलाया, दिल्ली से वहीं 1 करोड़ आजम हाजम हो जाए। हमारे तोश मैदान जहां मैंने टूरिज्म अथॉरिटी बनाई थी, वहां करोड़ों लोग से आ जाते हैं। अनंतनाग जिले में कितने, जहां हमारे गुजर बकरवाल भाई जाते हैं, इतनी धारें हैं, कनेक्टिविटी देने है। हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी धारें हैं, गुलगुलाब में कितनी धारें हैं, कनेक्टिविटी बनानी है, लाखों टूरिस्ट जा सकते हैं और हजारों एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। लेकिन किसी ने देखा हो और तब सोचेगा, हमने देखा, चाहे वो कश्मीर के पहाड़ हो, जम्मू सूबे के पहाड़ हों,